नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो सीटेट की आपकी एग्जाम हुई थी, ऑनलाइन प्रीवियस ईयर ऑनलाइन आपकी एग्जाम हुई थी, उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो प्रश्न पूछे गए, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो प्रश्न पूछे गए थे एक साथ लेकर आया हूँ। तो ये प्रश्न आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे जो आने वाली सीरीज। इस प्रकार के प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए जो प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन में जो प्रश्न पूछे गए थे। तो शुरुआत करते हैं, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया था मध्य बाल्यावस्था का काल अवधि आपसे पूछी गई थी, जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, जन्म से 8 वर्ष तक की होती है, 6 से 11 वर्ष तक की या फिर 11 वर्ष और उससे अधिक होती है। यहां पर देखिए इस वीडियो के बाद में हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें आपको बाल्यावस्था के 150 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 3 पार्ट में अपलोड किया है, 50-50 प्रश्न हर पार्ट में, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहां पर और भी आपको क्लियर हो जाएगा, हर एक प्रश्न को समझाया गया है, यहां पर भी समझाऊंगा। यदि उस वीडियो को देखेंगे तो सारी बातें जितनी भी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में और जो एडवांस बातें वो भी वहां पर आपको समझ में जाएगी, तो उन वीडियो तीनों को भी आप देख लीजिएगा। मध्य बाल्यावस्था का काल पूछा गया है, तो ये कौन सा होता है आपका, 6 से 11 वर्ष तक का होता है। देखिए यहां पर 6 से 12 भी होता तो भी आपका सही आंसर होगा, होता 6 से 12 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष, ये जो काल होता है मध्य बाल्यावस्था का काल या फिर अवधि होती है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा, जन्म से 5 वर्ष तक का काल कौन सा होता है, तो ये शैशवावस्था काल होता है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। और भी जो काल है जैसे कि 6 से 11 वर्ष का या फिर 12 वर्ष का जो काल बताया वो किसके द्वारा बताया गया है, वो कोल के अनुसार बताया गया है, जैसे कि सेली के अनुसार कौन से काल बताए गए, कितने काल बताए गए, हरलोक के अनुसार, कोल के अनुसार, जोनसे के अनुसार या फिर जो सामान्य वर्गीकरण है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप वो 3 वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। यहां पर जो प्रश्न में पूछा गया है उन्हीं को आपको समझाया जाएगा। देखिए कोल के अनुसार पूछे तो यहां पर कोल के अनुसार गर्भावस्था काल इन्होंने कितना बताया है, गर्भाधारण से जन्म तक इन्होंने गर्भकाल को बताया है, गर्भावस्था जिसे कहते हैं। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती, वैसे यदि सामान्य वर्गीकरण हम करें तो शैशवा यहां पर मैं लिख देता हूं, शैशवावस्था कितनी है, 0 से 5 वर्ष। यदि साधारणता पूछे कि शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है तो 0 से 5 वर्ष होती है, लेकिन कोल के अनुसार पूछे तो इनके अनुसार जो शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व बाल्यावस्था काल इसकी जो अवधि होती है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। देखिए यहां पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट का जो आयोग है उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्न बाल्यावस्था से पूछे गए हैं तो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर उनकी विशेषता भी मैं आपको बताऊंगा, शैशवावस्था की विशेषता बताऊंगा, बाल्यावस्था की बताऊंगा और किशोरावस्था की, सबकी बताऊंगा एक एक करके, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था से पूछे गए प्रश्न है। तो पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है, मध्य बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष तक की होती है, उत्तर बाल्यावस्था की देखिए यहां पर ध्यान देना है बालक की कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष तक की, और बालिका की कितनी होती है, 6 से 10 वर्ष तक की, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक की कितनी होती है, 12 से 14 होती है, और बालिका की कितनी होती है, 10 से 12 वर्ष तक की होती है। और यहां पर सीधा सीधा यदि पूछा जाए आपसे कि बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो वो आपकी कितनी होगी, 6 से 12 वर्ष तक की जो अवधि होती है ये बाल्यावस्था की होगी, यदि सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए तो। कोल के अनुसार पूछा तो वो मैं आपको बता चुका हूं, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12, बालिका की 6 से 10, उत्तर बाल्यावस्था 12 से 14 और बालिका की 10 से 12। पूर्व किशोरावस्था की हम बात करें तो पूर्व किशोरावस्था की जो अवधि बताई है वो 14 से 16 वर्ष बताई है, और बालिका की जो बताई हो 12 से 14 वर्ष तक की उन्होंने अवधि बताई है। मध्य किशोरावस्था की पूछे तो 16 से 18, बालिका की 14 से 17 है, और उत्तर किशोरावस्था की जो अवधि इनके द्वारा बताई गई है वो 18 से 20 और बालिका की 17 से 20 वर्ष तक की आयु बताई है। यदि सीधे सीधे तौर पर पूछे किशोरावस्था की तो किशोरावस्था की अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 12 से 18 वर्ष तक की अवधि होती है। यदि सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको 12 से 18 वर्ष लगाना है, आगे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर जो कोल के अनुसार जो उन्होंने वर्गीकरण किया है उनके बारे में मैं यहां पर आपको बता दिया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप कभी भी जब भी फुर्सत आपको मिले, जब फ्री टाइम रहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था,
संवेदनशील अवस्था बतानी है भाषा विकास के संदर्भ में। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सी अवस्था संवेदनशील अवस्था है? जन्म पूर्व का समय ये प्रारंभिक अवस्था है, मध्य बचपन या फिर युवावस्था है। यह मध्य बचपन को क्या कहा जाता है? मध्य बाल्यावस्था इसको कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं मध्य बचपन को आप बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। तो यहां पर वो कौन सी अवस्था है जो भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था होगी? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी अवधि कितनी होती है, या फिर इसे पूर्व बाल्यावस्था भी आप कह सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। और इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, अभी हाल ही में आपको बताया था 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो प्रारंभिक अवस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था की होती है। और ये भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे की जो भाषा में विकास हो जाता है, किस अवस्था में? प्रारंभिक अवस्था में या फिर पूर्व बाल्यावस्था में, जो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था में किसी भी वस्तु या चीज की जो आवश्यकता होती है यदि बच्चे को, तो अच्छे से बोलकर या फिर स्वयं चलकर भी उसको ले सकता है, उसको पा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उसे वस्तुओं के रंग आकृति आकार को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो पहचान सकता है। साथ ही वो कल्पना उसकी विकसित हो जाती है। याद रखिएगा इंपोर्टेंट ये पूछा जाएगा, कल्पना विकसित। कौन सी अवस्था में कल्पना विकसित होने लगती है? तो वो है प्रारंभिक अवस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है जिसमें कल्पना विकसित होने लगती है बच्चे की। वहां अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानना चाहता है, इसलिए भाषा विकास के संदर्भ में ये प्रारंभिक जो अवस्था है ये संवेदनशील अवस्था है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो दूसरा वाला होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कल्पना विकसित करने वाली अवस्था है। साथ में इस अवस्था में जो प्रतिकारात्मक खेल होते हैं जिसको हम सिंबल कहते हैं, कुछ भी अपने मन से जो भी चीजें मन में बिठा लेना, उसकी आकृति बिठा लेना, जैसे चाबी हो गई, खेल खिलौने हो गए, तो वो भी अवस्था कौन सी होगी? वो भी प्रारंभिक अवस्था होगी। इस प्रकार का प्रश्न भी आगे पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास रिक्त स्थान होता है, कब तक होता है? बाल्यावस्था तक होता है, किशोरावस्था तक होता है, वयस्क अवस्था तक होता है, या फिर संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, क्या आप समस्या को हल नहीं कर सकते? समस्या को हल नहीं कर सकते, तर्क नहीं दे सकते, या फिर समझा नहीं सकते, ये सभी क्या आप जीवन भर नहीं कर सकते क्या? कोई भी अवस्था हो आप ये कर सकते हैं, चाहे वो समस्या को हल करना हो, तर्क देना हो, किसी को समझाना हो, या फिर किसी समस्या को हल करना हो, ये सभी आप कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, ये संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, ऐसा नहीं किसी अवस्था में आप कर सकते हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास और जो गत्यात्मक है, इसका जो विकास होता है संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। आप किसी भी अवस्था में कभी भी समस्या को सुलझा सकते हैं, तर्क दे सकते हैं और समझा सकते हैं, ये सभी कार्य आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो संपूर्ण जीवन काल के दौरान यहां पर आपका सही आंसर होगा, जो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास है ये संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया जो आयोग है उसने किस पर फोकस किया है, बाल्यावस्था पर, सिर्फ और सिर्फ बाल्यावस्था पर। इस पर ही सारे प्रश्न पूछे गए, आप देखेंगे तो सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही पूछेंगे। 2 से 3 प्रश्न होंगे जो कि दूसरे जो शेष अवस्था है और किशोरावस्था उस पर पूछे गए हैं, इसी पर ही आधारित प्रश्न पूरे के पूरे पूछे गए हैं। तो यहां पर देखिए 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है, मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है, शेषावस्था कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि जो विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, यहां बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। याद रखिएगा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा कि यहां बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस अवस्था को यहां लिख देता हूं, इस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है, पूर्व टोली आयु कहा जाता है, और खोजपूर्ण आयु कहा जाता है।
आगे यदि आपसे पूछे जो आने वाले स्टेट एग्जाम में खिलौने की आयु किसे कहते हैं, पूर्व टोली की आयु किसे कहते हैं, खोजपूर्ण आयु किसे कहते हैं, सीधे सीधे यदि वहां पर बाल्यावस्था दे रखा हो तो आप टिक कर सकते हैं, लेकिन यदि वहां पर प्रारंभिक बाल्यावस्था दी होगी तो आप वहां पर प्रारंभिक बाल्यावस्था पर टिक कर सकते हैं, वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था को खिलौने की आयु, पूर्व टोली की आयु और खोजपूर्ण आयु भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यहां पर देखिए कल्पनाशीलता, कल्पना किस अवस्था में, किस अवस्था में विकसित हो जाती है, विकसित हो जाती है, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, शायद पहले वाले प्रश्न में ही आपको बताया था किस अवस्था में कल्पना विकसित हो जाती है, तो यहां पर उसी प्रश्न को पूछा गया है, शेष अवस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था है, तो वो अवस्था कौन सी होगी, प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी, जैसे कि जो बच्चा है डंडा है उसके पास में, तो उस डंडे को वो कभी बंदूक समझेगा, कभी उसको गाड़ी समझेगा, तो इस प्रकार की जो कल्पना वो करता है या फिर जो कल्पनाशीलता वाले जो खेल है वो सक्रिय रूप से भाग कब लेने लगता है, किस अवस्था में लगता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, तो यहां पर जो सेकंड वाला विकल्प है आपका होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए फिर से वही प्रश्न पूछ लिया गया, तो यहां पर 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आंसर आपको क्या बताया था, प्राथमिक बचपन या ऐसे प्राथमिक बाल्यावस्था भी कहते हैं, बाल्यावस्था भी प्राथमिक बचपन को कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, सेकंड वाला होगा, बाल्यावस्था पर ज्यादा फोकस किया है इस बार जो सीटेट एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर उसमें ज्यादातर बाल्यावस्था के ही प्रश्न पूछे गए थे, तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, और इसकी अवधि मैंने आपको क्या बताई थी, 2 से 6 वर्ष तक की अवधि इसकी होती है। किस अवस्था में प्रतिकारात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपको बता चुका हूं, प्रतिकारात्मक खेल के बारे में आपको बता चुका हूं। देखिए प्रतिकारात्मक खेल यानी कि प्रतीक सिंबल, कोई भी बच्चा अपने मन में किसी भी वस्तु का या फिर जो खिलौने होते हैं उसका चित्र बना लेता है, उसकी छवि बना लेता है, उसी को प्रतिकारात्मक कहते हैं। तो यहां पर प्रतिकारात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। शेष अवस्था होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, मध्य बाल्यावस्था होता है या फिर किशोरावस्था होता है। तो पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था प्रतिकारात्मक खेल के बारे में, वो कौन सी अवस्था होगी, प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की होती है। यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों के द्विकरण, 8वां प्रश्न है, 17वां नहीं है, 8वां प्रश्न है आपका, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण रिक्त स्थान की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू करता है। औपचारिक संस्था कौन सी होती है, जैसे कि स्कूल, स्कूल औपचारिक संस्था में आता है, और एक होता अनौपचारिक संस्था, अनौपचारिक संस्था जिसमें परिवार आता है। यहां पर पूछा गया है द्वितीयक समाजीकरण, द्वितीयक का पहले प्राथमिक आता है, प्राथमिक समाजीकरण, जो प्राथमिक समाजीकरण है वो किससे प्राप्त होता है, तो परिवार से होता है, आस पड़ोस से होता है, समूह से होता है, जो दोस्त होते हैं, जो समूह सदस्य होते हैं उससे होता है। तो ये जो प्राथमिक समाजीकरण है ये इससे प्राप्त होता है, और ये किस में होता है, तो ये शैशवावस्था में होता है प्राथमिक समाजीकरण। लेकिन यहां पर द्वितीयक समाजीकरण पूछा गया है, द्वितीयक समाजीकरण, ये किससे प्राप्त होता है, तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो प्राथमिक समाजीकरण है वो शैशवावस्था से प्राप्त होता है, और ये जो द्वितीयक समाजीकरण है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था से प्राप्त होता है। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण प्रारंभिक बाल्यावस्था के अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वहां स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू करता है। अनौपचारिक के बारे में पूछे तो वो कौन होगा, आपका परिवार होगा, औपचारिक संस्था में आपका स्कूल आएगा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपका, और ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है,
भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? भाषा अर्जन, जब भाषा सीख लेता बच्चा भाषा ग्रहण कर लेता है उसके बारे में पूछा गया है, जन्म पूर्व अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वयस्क अवस्था में। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहां पर भी आपका सही आंसर प्रारंभिक बाल्यावस्था ही होगा। भाषा अर्जन के संदर्भ में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है ये चरण संवेदनशील है। यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। 9 प्रश्न हो चुके हैं, 9 के ही आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था ही आंसर दिया हुआ है। इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न ही एग्जाम में आपके ऑनलाइन जो सीटेट की एग्जाम हुई थी उसमें पूछे गए हैं। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है आपका बाल्यावस्था। देखिए 10वें प्रश्न पर आपका बाल्यावस्था से संबंधित पूछा गया है और वो भी बाल्यावस्था से ही पूछा गया है। पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था चल रहा था, अब आपसे बाल्यावस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। यहां एक सामाजिक संरचना है, यहां एक शारीरिक संरचना है, यहां बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, या फिर यहां विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो जो बाल्यावस्था है या फिर जो किशोरावस्था है या फिर जो शेषावस्था है ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहां एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक चरण जो होते हैं उसको ये परिभाषित करती है, चाहे वो शेषावस्था हो, बाल्यावस्था हो या फिर किशोरावस्था हो। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। और इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष तक की अवधि होती है बाल्यावस्था की। जब से हम प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहे थे जो कि 2 से 6 वर्ष तक की होती है, लेकिन यहां पर सीधे सीधे बाल्यावस्था पूछा गया है तो 6 से 12 वर्ष आपका यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं पहले कि बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है तो इसकी जो विशेषता है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विशेषता से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो यहां पर बाल्यावस्था लिख देता हूं, बाल्यावस्था की जितने भी विशेषता है ये सभी यहां पर आपके सामने दे रखी है। जो बाल्यावस्था है उसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया ये भी यहां पर लिखा हुआ, कॉल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया है। जीवन का निर्माणकारी काल इसको भी बाल्यावस्था कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। छदम, जिसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है, ये बाल्यावस्था को कहा है। किसके द्वारा कहा गया? रास के द्वारा। वैचारिक अवस्था का काल, ये भी बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को कहा गया है। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, यथार्थवादी दृष्टिकोण, नेता बनने की इच्छा बाल्यावस्था में पाई जाती है। समलिंगी, मित्रता, समूह की भावना, यह भी बाल्यावस्था में पाई जाती है। अर्थभेद होता, लिंग भेद व जाति भेद की भावना भी बाल्यावस्था में जागृत होती। खेल की आयु पूछा जाता है, खेल की आयु जो किंग एज होती है वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। समूह, दल, टोली की आयु, ये भी आपकी बाल्यावस्था होती है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, देखिये ये पूछा जाता है प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी होती है, तो ये भी बाल्यावस्था होती है। सारस अवस्था, सारस अवस्था के बारे में पूछे और यहां पर बाल्यावस्था ना देकर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था इस प्रकार के प्रश्न दे तो आपका उत्तर बाल्यावस्था वहां पर सही आंसर होगा। चुस्ती की आयु, ये भी उत्तर बाल्यावस्था है। गंदी आयु, ये भी आपकी बाल्यावस्था है। उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा इनको, है ना, सभी के सभी इंपोर्टेंट है। भाषा विकास की तीव्र गति भी अवस्था है, भाषा विकास की तीव्र गति इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया था, भाषा विकास की तीव्र गति की अवस्था कौन सी है, वो भी आपकी बाल्यावस्था है। मूल दुश्चिंता की अवस्था, ये भी आपकी बाल्यावस्था, केरेन हार्नी के द्वारा कहा गया। बिना काम के भ्रमण यानी कि जो घूमने वाली प्रवृत्ति होती है, ये भी आपकी बाल्यावस्था, बर्ट के द्वारा कहा गया। बहिर्मुखी स्वभाव होता है इसमें, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संचय करने की प्रवृत्ति होती है, नैतिक गुणों का विकास होता है इसमें, कल्पना शक्ति, ये भी प्रश्न अभी पूछा गया है। देखिए जो विशेषता है उसी में से ही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि यहां पर 2 प्रश्न आपको बता चुका हूं, दोनों ही पूछे गए, जैसे कि ये भाषा विकास की तीव्र गति की अवस्था ये पूछा गया था, कल्पनाशीलता के बारे में पूछा गया था, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ काल है ना, ये भी आपका बाल्यावस्था है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद अर्थात बालक में सृजनशीलता के गुण भी पाए जाते हैं। नए कौशल एवं क्षमताओं का विकास होता है। साथ में वृद्धि का स्वर्णिम काल भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, जिसे उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। रुचियों में परिवर्तन काल एवं ब्रूस द्वारा कहा गया है, रुचियों में परिवर्तन भी होता है बाल्यावस्था में। मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था भी बाल्यावस्था होती है। और बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है एवं बालक भयमुक्त रहता है। ये आपको ध्यान देना है कि सबसे कम कामुकता किस अवस्था में पाई जाती है, तो वह बाल्यावस्था, इसमें बालक भयमुक्त रहता है। ये जो 29
मैंने आपको विशेषता बताई है, ये एक एक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सारी के सारी इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बेहतर बेहतर एथलीट जिसको हम शारीरिक भी कहते हैं, शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रिया जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है, किस अवधि के लक्षण है। देखिए यहां पर नियमों के साथ खेल रहा है बच्चा, तो जो छोटा बच्चे होते हैं उसमें नियम के साथ तो खेल नहीं सकते, तो शैशवावस्था आपका हो नहीं सकता, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या फिर किशोरावस्था। यहां पर देखिए प्रारंभिक बचपन से मैंने आपको बताया कि ये प्रारंभिक बचपन यानी कि बाल्यावस्था है ना, और मध्य बचपन यानी कि मध्य बाल्यावस्था। तो अब आपको बताना है कि किस में शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रिया जो ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होता है, तो इस अवधि के लक्षण है, किस अवधि के लक्षण है यह आपको बताना है। तो ये किसके लक्षण होंगे, आपके मध्य बचपन यानी कि बाल्यावस्था के लक्षण होंगे, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती है, 6 से 12 वर्ष तक की अवधि होती है मध्य बचपन है कि मध्य बाल्यावस्था की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों में घनिष्ठ संबंध होते हैं, बच्चे घनिष्ठ मित्रता इसमें पाई जाती है। मध्य बचपन यानी कि मध्य बाल्यावस्था में जो मैंने विशेषता भी बताई उसमें मैंने आपको ये भी बताया था, साथ ही इसमें जो बच्चे होते हैं वो सोच का भी इसमें तेजी से विकास होता है मध्य बाल्यावस्था में। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाती है। यहां पर देखिए आदर्शवादी, आदर्शवादी कब होता है बच्चा, जो समझदार बच्चा होता है, तो शैशवावस्था हो नहीं सकता। इस पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है, अभी इन चारों विकल्पों पर ध्यान देना है, प्राथमिक बचपन या फिर प्राथमिक बाल्यावस्था, मध्य बचपन यानी कि मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। अमूर्त यहां पर दे रखा है, अमूर्त और आदर्शवादी हो सकता है, तो ये किस अवधि में हो सकता है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवधि में बच्चा अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। तो यहां पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा, इसकी जो इंपोर्टेंट विशेषता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके पहले आपको पता होना चाहिए एडोलसेंस, इंग्लिश में किशोरावस्था को क्या कहते हैं, एडोलसेंस, और एडोलसेंस नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, स्टेनली हॉल के द्वारा। कब प्रकाशित की गई थी, 1904 में। ये याद रखिएगा कि स्टेनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है, किशोरावस्था के जनक किसे कहा जाता है, तो स्टेनली हॉल को कहा जाता है। 2 पॉइंट इंपोर्टेंट थे जो कि मैंने लिख दिए हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा साथ में। तो यहां पर हम देखिए किशोरावस्था की विशेषता की बात करें तो यहां पर देखिए नया जन्म का काल पूछा जाता, नया जन्म का काल किसे कहा जाता है, तो वो किशोरावस्था है। किसके द्वारा कहा गया ये भी पूछा जाता है, तो स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। परिवर्तन का काल, इसमें परिवर्तन बहुत अधिक होते हैं, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसमें, दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल लिखा हुआ है यहां पर, का काल कौन सा है, तो वो आपका किशोरावस्था है। किसके द्वारा कहा गया, स्टेनली हॉल, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल कौन सा होता है, तो वो किशोरावस्था होता है। यहां पर विशेषता किसकी बता रहे हम, किशोरावस्था की, ठीक है। तो दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल कौन सा होता है, किशोरावस्था, और किसके द्वारा कहा गया, स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, किशोरावस्था है, किसके द्वारा कहा गया, किल्पेट्रिक के, परिवर्ती अवस्था है ये, विशिष्टता की खोज का समय है, आकस्मिक या फिर त्वरित विकास की आयु है, स्वर्णकाल, ये भी पूछा जाता है, स्वर्णकाल कौन सा है, किशोरावस्था है, बसंत ऋतु, समायोजन का अभाव, देशभक्ति की भावना इसमें बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है, संवेग अस्थिर हो जाते हैं, वीर पूजा की प्रवृत्ति, यह भी पूछा गया है, वीर प्रवृत्ति की पूजा किसमें पाई जाती है, किशोरावस्था में पाई जाती है, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा इसमें होती है, सब काम जैसे कि मैं ही कर लूं, सारे काम मैं ही कर लूं, ये जो आत्मनिर्भर बनने की इच्छा है ये भी किशोरावस्था में ही जागृत होती है। उसके बाद में चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, इन सभी का विकास हो जाता है किशोरावस्था में। व्यवसाय चुनाव की चिंता होती है, कल्पना का बाहुल्य व दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति भी इसी में पाई जाती है, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण यानी कि जो बालक बालिका का विपरीत लिंग में के प्रति आकर्षण यानी कि जो प्रेम की भावना है वो भी इसमें जागृत हो जाती है। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था, जैसा कि अभी प्रश्न में आया था, तो यहां पर जितने भी विशेषता है उसी में से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये 22 जो मैंने यहां पर विशेषता बताई इनको याद कर लीजिएगा। इसमें तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद हो जाते हैं, समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था भी इसी को कहते हैं, इसमें
समाज सेवा की भावना भी जागृत हो जाती है। इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। तो ये 22 जो मैंने आपको यहाँ पर विशेषता बताई है किशोरावस्था की, ये सभी की सभी इंपोर्टेंट है। इसी में से हर प्रश्न पूछा जाएगा यदि आगे भी प्रश्न पूछा जाए तो सीटेट एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पर आपको बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बता दी है, शेष अवस्था की बाकी है तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित थे? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। यहाँ पर देखिए अमूर्त चिंतन आ गया। क्या बताया था मैंने आपको अमूर्त चिंतन के बारे में? स्वतंत्रता की भावना किसमें जागृत हो जाती है? अस्मिता का विकास किसमें हो जाता है? मध्य बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्वावस्था में। तो किसमें हो जाता है? किशोरावस्था में। यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्वावस्था ये नहीं आएगी। अमूर्त चिंतन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता की भावना बताई थी। तो किसमें जागृत हो जाती है? किशोरावस्था में जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा और इसकी अवस्था की जो अवधि होती है वो 12 से 18 वर्ष तक की होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? प्राथमिक समाजीकरण मैंने आपको बताया, प्राथमिक समाजीकरण किसमें किस अवस्था में शुरू हो जाती है और द्वितीयक के बारे में बताया था, शेष अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या फिर फ्लोरावस्था है। द्वितीयक, द्वितीयक समाजीकरण यह प्रश्न पूछा गया थोड़ी देर पहले ही। तो इसके आंसर मैंने आपको क्या बताया था? प्रारंभिक बाल्यावस्था वहां पर बताया था मैंने, यहां पर बाल्यावस्था दे रखा था। बाल्यावस्था मैंने बताया था, यदि प्रारंभिक बाल्यावस्था ना आए तो बाल्यावस्था पर आप टिक कर सकते हैं। द्वितीयक समाजीकरण के बारे में पूछा जाए तो, लेकिन यहां पर प्राथमिक समाजीकरण के बारे में पूछा गया है तो आंसर आपका क्या होगा? शेष अवस्था। प्राथमिक समाजीकरण में कौन आएगा? आपका परिवार आ जाएगा, पास पड़ोस आ जाएंगे, आस पड़ोस वाले, आपका जो समूह है, मित्रता है, वो आ जाएंगे, आपकी जो जाति धर्म के लोग आ जाएंगे, ये सभी प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन द्वितीयक समाजीकरण में कौन आते हैं? आपका स्कूल आता है, ठीक है, जो कि औपचारिक संस्था में आता है स्कूल, और अनौपचारिक में आपका परिवार आता है। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। राइट आंसर आपका यहां पर बिल्कुल पहला वाला होगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए शेष अवस्था आया है, तो यहां पर मैंने उनकी विशेषता रखी शेषावस्था। शेषावस्था काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आगे पूछा जा सकता है। तो जितनी भी यहां पर इंपोर्टेंट विशेषता है, जैसे कि स्वार्थी व स्व केंद्रित की भावना यह शेषावस्था में पाई जाती है। बच्चा स्वार्थी होता है इसमें, खिलौने की अवस्था, खिलौनों से खेलता है बच्चा। आत्म प्रेम की भावना इसमें होती, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार इसमें होता है, कल्पना जगत में विचरण करने वाला होता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था इसमें पाई जाती है। खतरनाक काल व अपीली काल, देखिए ये पूछा जाता है खतरनाक काल या फिर अपीली काल। खतरनाक काल को ही अपीली काल कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? हरलाख के द्वारा। कौन सी अवस्था में? शेषवा अवस्था में। पूर्व या फिर प्राक विद्यालय आयु, अजीबो गरीब की अवस्था होती है, नमाकरण विस्फोट की अवस्था, ये प्याजे के अनुसार कहा गया है। संस्कार के निर्माण की आयु, निर्माण इसमें शेषावस्था से ही शुरुआत हो जाती है। बादशाह की अवस्था होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, देखिए जीवन का सबसे कठिन काल मैंने किशोरावस्था बताया था, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? शेषावस्था है। नैतिकता का अभाव रहता है इसमें, अभाव रहता है, ध्यान दीजिएगा। सीखने का आदर्श काल है, भावी जीवन की आधारशिला है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी है? तो शेषावस्था है। साथ में क्षणिक संवेग की अवस्था, कभी बच्चा हंसता कभी रोता है, तो क्षणिक संवेग की जो अवस्था है वो भी आपका शेषावस्था में पाया जाता है। सीखने का स्वर्ण काल है, जो बच्चे को सिखाएंगे वही सीखेगा, बहुत जल्दी सीखेगा। सामाजिक भावना का अभाव इसमें रहता है। उत्तम शिक्षण विधि, किंडरगार्टन, खेल व मॉन्टेसरी विधि, ये भी आपका शेषावस्था के अंतर्गत आएगी। शारीरिक, बालकों का सर्वाधिक जो शारीरिक विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है, और मानसिक विकास की गति भी यहाँ पर शेषावस्था में सर्वाधिक होती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शेषावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। जन्म के 30 घंटे तक शिशु के नेत्र इंद्रिय कार्य नहीं करती, ध्यान दीजिएगा, जन्म के 30 घंटे तक शिशु की जो नेत्र इंद्रिया है वो काम नहीं करती है। और ये विशेषकर ध्यान रखिएगा कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार शेषावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यहां पर पूछा जाता है कि प्रारंभिक शिक्षक कौन होते हैं? रूसो के अनुसार तो बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यहां पर देखिए 27 विशेषता दी हुई है शेषावस्था की, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। शेष अवस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाता है, उसके बाद होता है संवेग विकसित। लेकिन इस अवस्था में बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है। जो बच्चा होता है उसमें भय बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, बच्चा उसमें डरने लगता है। शेष अवस्था में जब बच्चा जन्म लेता है उसके बारे में बात की जा रही है, उसके बाद की जो शेष अवस्था है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी जा रही है। तो जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जन्म के समय के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। लेकिन शेष अवस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 27 जो विशेषता मैंने यहाँ पर आपको बताई है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है, विकास की उस अवधि को आपको बताना है जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर आपको बताना है वहां कौन सी अवस्था है, कौन सी अवधि में अक्सर परिवार की तुलना में साथी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि घनिष्ठ मित्रता किसकी विशेषता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए, अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि साथियों की बात जो बच्चा है वो सुनता है, परिवार की बातों को नहीं सुनता है। तो वह अवस्था कौन सी, शेष अवस्था है, आरंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था है, तो वहां अवधि कौन सी होगी या फिर वहां अवस्था कौन सी होगी, किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष की उम्र में जो बच्चा होता है वो साथियों की राय यानी कि साथियों की बात को बहुत सुनता है परिवार की तुलना में, तो यहां पर आपको जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अंतिम प्रश्न, ये टोटल 16 है, यहां पर देखिए पेपर फर्स्ट में और सेकंड में, ये जो 15 प्रश्न है ये आपका शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था का नहीं है, प्रश्न अच्छा लगा इसलिए इसको रख लिया मैंने। 15 प्रश्न ही पूछे गए थे, कम प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आने वाली जो सीटेट आपके एग्जाम प्रश्न आने की संभावना है शैशवावस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था से, क्योंकि जो पुरानी सीटेट एग्जाम आपकी हुई है उसमें कम प्रश्न पूछे गए हैं, इस वजह से यहाँ पर सीटेट ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है। तो शैशवावस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो 3 वीडियो बनाए हैं 50-50 प्रश्न के, यानी कि 150 प्रश्न आपको दिए हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपका अंतिम प्रश्न यहां पर, 1.5 से 2.5 साल की उम्र में बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहते हैं, यहां पर देखिए द्विशब्दी उच्चारण के बारे में पूछा गया है, द्विशब्दी, और ये जो उम्र बताई जा रही है 1.5 से 2.5 साल के बीच की उम्र बताई जा रही है, इसमें जो बच्चा है वो किसके द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है, तो वाचन का अधिविस्तार कहा जाता है, तार प्रासित, यहां पर प्रेषित लिखा हुआ है, वाचन कहा जाता है, नववाद कहा जाता है या फिर बकवाद कहा जाता है। तो यहां पर देखिए जो बच्चा है 1.5 से 2.5 साल का, वो जो उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारण को क्या कहा जाता है, तो उसे तार प्रेषित वाचन कहा जाता है, यानी कि टेलीग्राम, क्या कहा जाता है उसको, टेलीग्राम। यदि आप जब किसी को टेलीग्राम भेजते तो उसमें जो मेन टॉपिक होता है, जो बात आपको करनी होती है, जरूरत की बात उसमें लिखी जाती है, यानी कि द्वि शब्दी का मतलब होता है, जैसे कि उदाहरण तौर पर हम बच्चे के बारे में जाने तो बच्चा जैसे बोलता है कि जूस चाहिए, मम्मी बैठो, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो द्विशब्दी होते हैं। तो इस प्रकार के जो उच्चारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तार प्रेषित वाचन, यानी कि टेलीग्राम कहा जाता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। तो आज के जो वीडियो है उसके जो 16 प्रश्न हमने लिए थे उसका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। और भी हमने वीडियो बनाया है जिसमें सीटेट ऑनलाइन के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको समझाया गया है, पर्यावरण के 3 पार्ट बनाए, 100 प्रश्न के 300 प्रश्न हम आपको दे चुके हैं, बाल विकास के दे चुके हैं, तो उनको और देख लीजिएगा, सभी वीडियो एक एक करके देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।